अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। कहते हैं उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नून लीग ने हमेशा जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की बात की। मुतनाज़ बयान पर नून लीग ने राणा मशरूत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लीगी रहनुमा से बासपुर्स के लिए 3 रुकनी खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में राणा मशरूत से मुतालिक फैसला होगा। क्या कोई डील हुई है? सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ बरहम बोले, ऐसी बात करें जिसका सर पैर हो। राणा मशरूत का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। मामले पर पार्टी ने गुज़श्ता रोज अपना मौकफ दे दिया था। राणा मशरूत का बयान पार्टी पॉलिसी थी या फिर कुछ और? सहाफी का नवाज शरीफ से सवाल, आप इस बारे में बेहतर जानते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मिर्जा गालिब का शेर भी सुना दिया। बोले कि शहबाज शरीफ ने राणा मशरूत के बयान का नोटिस ले लिया है। राणा मशरूत ने बयान लीगी कयादत के कहने पर दिया। फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से माफी और इस्तीफे का मुतालबा। अलीम खान कहते हैं राणा मशरूत को दिन में भी ख्वाब दिखाई देते हैं। यास्मीन राशिद कहती हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक बयान मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है। चौधरी सरवर की खाली करदा सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन। पंजाब असेंबली में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती जारी है। नून लीग और पीटीआई में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ख्वाजा अहमद असान और शहजाद वसीम आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी अरकान ने लीग उम्मीदवार को वोट दिया। कौमी असेंबली से मिनी बजट की शिकवार मंजूरी, ओपोजिशन का एहतजाज। खुर्शीद शाह के चैलेंज करने पर स्पीकर असद कैसर ने हामी और मुखालिफ अराकीन की गिनती कराई। बिल की शिक नंबर 2 के हक में 158 वोट आए, 120 अराकीन ने मुखालफत की। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मईशत तबाह की, वजीर खजाना के जवाबी वार। बोले के शायद शेर सुकड़ कर बिल्ली बन गया, इसीलिए ऑपोजिशन लीडर को बिल्ली याद आ गई। कौम का पैसा अब कौम पर ही खर्च होगा। नॉन फाइलर्स को घर और गाड़ी की खरीदारी पर मिली छूट वापस लेने का ऐलान। मईशत चंदे, सियासत गाली और मुल्क जादू से नहीं चलता। बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा हुकूमत का 100 रोज़ा प्लान कहाँ है। सीपैक से मुतालिक बयानात अफसोसनाक हैं। एफएटीएफ मामले पर पार्लियामान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। मुल्क में बिजली नवाज हुकूमत की मेहनत के बाइस है, शहबाज शरीफ का दावा। कहा कि पीटीआई के वादे पर तकिया करते तो मुल्क अंधेरे में होता। केपीके में -8 मेगावाट बिजली बनी, गलत बयानी और दरोगोई पर उनकी पकड़ होगी। डीपीओ पाक पतन का तबादला सियासी असर रसूख की बुनियाद पर किया गया। नेक्टा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। क्यों ना एहसन गुजर के खिलाफ एटीसी में मुकदमा चलाया जाए। आर्टिकल 62(1)(f) का तनाजुर भी देखेंगे। चीफ जस्टिस ने वजीर आला पंजाब से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर फैसला, सजा के खिलाफ अपीलों पर असरअंदाज नहीं होगा। नैब से दरखास्तों पर समाअत के दौरान पेनामा केस का सहारा लिया गया। वादी नजर में मुलजिमान की सजाएं ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। पंजाब में तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। लाहौर में मुतअद्दिद सरकारी प्लॉट्स वागुजार, गैर कानूनी तामीरात मिसमार। हरबंसपुरा लाहौर में शहरियों का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। फैसलाबाद में डिप्टी मेयर और ताजर तंजीमें ऑपरेशन रुकवाने मैदान में आ गए। कराची में स्कूल असेंबली में अंधी गोली से बच्चे की हलाकत का मुआम्मा हल हो गया। 7 साल अक्सा को लगने वाली गोली पुलिस एहलकार की थी। थाना इत्तेहाद टाउन में तायुनात वसीम घर पर असलहा साफ कर रहा था कि गोली चल गई। मुलजिम गिरफ्तार, असलहे का फॉरेंसिक होगा। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।